हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लिपबोर्ड एजुकेशन। आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हमारे पास कोई कीवर्ड नहीं है। ये जो चैप्टर है वो एसिड के साथ, बेसिस के साथ और जो न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं उनके साथ डील करता है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। और जैसे दही हो गया, लेमन का जूस हो गया, ऑरेंज का जूस हो गया, विनेगर हो गया, ये सारी चीज़ें एसिडिक होती हैं। सेकंड, द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिर विच मीन्स सॉर। एसिड जो है, एसिड जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड एसिड से बना है जिसका मीन्स होता है खट्टा। जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बेटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। यहाँ पे बेसिस क्षार जो होती हैं उनकी प्रॉपर्टी बताई जा रही है। क्षार क्या होते हैं? वो कड़वे होते हैं स्वाद में और उनको छूने पर हल्का सा सोपी जैसे फीलिंग आती है, जैसे साबुन जैसा फील होता है। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेट टू बी बेसिक। और इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जो स्वाद लेने पे तो बेटर कड़वे महसूस होते हैं, तीक्ष्ण महसूस होते हैं, और जब हम उनको टच करते हैं तो हमें सोपी फीलिंग देते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर आ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं पता लगाने के लिए। कुछ हम लिक्विड सॉल्यूशंस का प्रयोग करते हैं कि कोई चीज़ भी एसिडिक या बेसिक है, ऐसे पदार्थों को इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर माने जो बताए हमें कि ये चीज़, ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर when added to a solution containing an acid or basic substance। और indicators कैसे बताते हैं हमें कि ये solution acidic है कि basic है? वो अपना color change करा देते हैं उस solution का। indicators कैसे बताते हैं किसी अम्ल और क्षार की उपस्थिति के बारे में? उस अम्ल या क्षार के color में परिवर्तन करके। turmeric, litmus, china rose गुड़हल होता है, आर सम ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स। यदि मैं कहूँ कुछ नेचुरली जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स के नाम बताओ, तो आप बताओगे कि हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, चाइना रोज, गुड़हल हो गया, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, विंडो क्लीनर में क्या होती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड होती है, साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, या पता होना चाहिए। जो हाइड्रोक्साइड है वो सारे क्षारी होते हैं, बेसिक होते हैं। लाइम वाटर में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर में क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। सोप में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। एसिड के बारे में कुछ जानते हैं। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। चींटी के डंक में कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। सिट्रस फ्रूट्स में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड। स्पिनच में ऑक्जैलिक एसिड। जिन लोगों को किडनी स्टोन हो जाता है उनको स्पिनच खाने से मना किया जाता है, क्योंकि ऑक्जैलिक एसिड होता है स्पिनच में, और ऑक्जैलिक एसिड ही हमारा जो स्टोन होता है किडनी में वो ऑक्जिलेट का बना होता है, कैल्शियम का बना होता है। आंवला सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं। टमारिंड हो गया, ग्रेप्स हो गए, इसमें कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड होता है। अब लिटमस इज अ, लिटमस पेपर का आपने नाम सुना होगा, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिचन। यदि मैं पूछूं कि लिटमस क्या एक नेचुरल डाई है, आप कहोगे यस, और यदि मैं पूछूं ये कैसे बनता है तो आप बताओगे एक लिचन्स होते हैं। लिचन्स क्या होते हैं? इट इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, सो प्रकृति से प्राप्त होते हैं हमें लिचन्स, तो उससे ही लिटमस प्राप्त होता है। इट हैज अ मुआ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। कैसा कलर होता है लिटमस का? साधारणतया पर्पल होता है। व्हेन एडेड टू एन एसिटिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे कि जो लिटमस पेपर होता है वह नीले को लाल कर देता है। जो एसिड है वो यदि हमारे पास नीला लिटमस है उसको लाल कर देगा, और जो क्षार है वो लाल को नीला करेगा। अभी आगे पढ़ते हैं इसको अच्छे से। लास्ट पॉइंट पे आते हैं। यहां पे देखिए,
पॉइंट नंबर फिफ्थ, वी हैव लर्न दैट बेसिक दैट एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं और जो क्षार होते हैं वह लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। तो क्या होता है लिटमस पेपर की अम्ल और क्षार के साथ कैसी क्रिया होती है आपको पता होना चाहिए। जो अम्ल है वह नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं और जो क्षार है वह लाल को नीले में बदलते हैं। चाइना रोज क्या होता है? गुड़हल होता है, ठीक है। यदि उसमें कोई एसिडिक सॉल्यूशन मिलाया जाता है, चाइना रोज गुड़हल को यदि आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालो तो यह डार्क पिंक हो जाता है सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन में डालो तो ग्रीन कर देगा। यदि आपने क्या किया, एक बोतल में कोई हल्का सा क्या था, HCl था, तनु HCl था, उसमें आपने गुड़हल डाल दिया, गुड़हल के दो तीन फ्लावर, तो वो कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक हो जाएगा। और यदि आपने उस गुड़हल के तीन चार फूलों को किसी NaOH के कोई क्षारीय सॉल्यूशन था, बेसिक सॉल्यूशन, तो उसमें डाला तो वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एनेस्टिक। रेनेस्टिक अम्ली वर्षा। हमारे ताजमहल का रंग क्यों फीका पड़ रहा है? अम्ली वर्षा के कारण। अम्ली वर्षा में क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जब ये वातावरण में रिलीज होते हैं तो कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। और हमें पता है कि लिटमस पेपर का क्या प्रभाव पड़ता है, जब जो अम्ल होते हैं वह नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं और जो क्षार होते हैं वह लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं। फिनोफ्थलीन इज अ न्यूट्रल इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन क्या होता है? न्यूट्रल इंडिकेटर होता है। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन मिलते हैं तो इसको कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाता है? लवण बनाता है प्लस पानी बनाता है, पता होना चाहिए हमें। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। भाई लवण बन जाता है। न्यूट्रलाइजेशन आपने बहुत पढ़ी होगी, रिएक्शन बहुत ही जनरल रिएक्शन है। HCl प्लस QH, KCl प्लस वाटर, एसिड बेस मिले, एक लवण बना और पानी बना, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। थोड़ी हीट भी जनरेट होती है। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। यदि मैं पूछूंगा अम्लों का स्वाद कैसा होता है, आप बताओगे इनका खट्टा होता है, और बेसिस जो क्षार होते हैं वो तीक्ष्ण बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, एंड सोपी टू टच। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। कल हम क्लास 7 चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अमोंग योर फ्रेंड्स। सी यू अगेन।